वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिलेटिव लेआउट का यूज़ करके हम यूआई कैसे बनाते हैं, और एक यूआई भी बनाया था कार्ड व्यू की हेल्प से। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट में क्या डिफरेंसेस हैं, और कहाँ पे हमें रिलेटिव लेआउट का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पे कार्ड व्यू का यूज़ करना चाहिए। तो ये सबको हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू एक्टिविटी बनाएंगे, और यहाँ पे न्यू एक्टिविटी, एक्टिविटी वाले फोल्डर में गए, फिर यहाँ से बनाया, इसका नाम लिखेंगे हम। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड लीनियर। तो यहाँ पे गए, देन इसकी एक्सएमएल फाइल में जाएंगे और बाकी सबको हम रिमूव कर देते हैं। तो पहले तीन इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ऑलरेडी पड़ा है, दो और डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे नेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं सबसे पहले IMC2, देन ओके। अब सबसे पहले हम रिलेटिव लेआउट में देख लेते हैं। देन यहाँ पे इमेज लगाते हैं, इमेज पोस्ट मैच पेरेंट, और हाइट दे देते हैं 200 dpi। देन क्लोज करा, फिर यहाँ पे आईडी दे देते हैं, आईडी इमेज व्यू इमेज 1, और फिर SRC इमेज होम देते हैं, स्केल टाइप सेंटर क्रॉप, और फिर सिमिलरली दूसरा वाला इमेज भी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी आईडी जो दी है इमेज 1 उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे इमेज 2 करा, और फिर सिमिलरली यहाँ पे जो इमेज है अपना दूसरा वाला उसको भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इमेज 2 वाला इमेज है वो नीचे है, और जो सेकंड वाला है इसने इसको ओवरलैप कर दिया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिलो इमेज 1। या अब इसको मार्जिन दे देते, थोड़ा मार्जिन कितना देते हैं, 10 dpi। ओके, यहाँ पे बस मार्जिन टॉप देना था। अगर मार्जिन दिया हमने तो इसने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट से भी लिया, एंड से भी लिया, टॉप बॉटम चारों बगल से इसने मार्जिन ले लिया। लेकिन हमें क्या चाहिए, बस टॉप से चाहिए। तो यहाँ पे देते मार्जिन टॉप 20 dpi। तो इसने अभी क्या करा, बस टॉप से ही मार्जिन लिया है, ये हो गया यहाँ पे। और सेम अगर हम लीनियर लेआउट में बनाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं एक बार कमेंट करके, ओके एक और मैं UI बनाती हूँ जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। लेआउट XML, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं अपन, लीनियर लेआउट डिफ, इसको बनाते हैं लीनियर लेआउट, ठीक है। और ये दोनों इमेज है यहाँ से उठाया हमने, ये यहाँ पे। अब जैसा कि लीनियर लेआउट कैसे वर्क करता है, लीनियर लेआउट वर्क करता है या तो हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, ठीक है। तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि हमें जो इमेज है इसको कैसे दिखाना है, हॉरिजॉन्टली दिखाना है या वर्टिकली। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन देंगे वर्टिकली,
तो जहां पे भी अगर हमें यूआई में जरूरत है कि बस हॉरिजॉन्टल कोई चीज है या वर्टिकल कोई चीज है, तो फिर वहां पे हम लीनियर लेआउट का यूज करेंगे। और जैसे यहाँ पे क्या करा, हमने लीनियर का यूज करा, तो यहाँ पे कितने सारे एट्रीब्यूट्स हट गए। जैसे लेफ्ट राइट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस इसको क्या ये भी सेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे रैप कंटेंट करा, यहाँ पे रैप कंटेंट करा, एक सेकंड में और कुछ बता रही आपको। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वेट दे दिया इसको 1। सिमिलरली इसको भी वेट मैंने दे दिया 1। तो जैसे यहाँ पे अगर मैंने रैप कंटेंट करा, तो ये क्या कर रहा है, ये कंटेंट के हिसाब से अपना स्पेस ले रहा है। ठीक है, बट अगर अगर हमने यहाँ पे 0 dp करा, 0 dp करा, और फिर यहाँ पे मैंने वेट 1 दिया, तो डिफरेंस के लिए थोड़ा सा मार्जिन दे देते, मार्जिन तो 10 dp, 20 कर देते। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे क्या करा, 0 dp करा और वेट 1 करा, जितना भी स्क्रीन साइज रहेगा उसकी हाइट को सिमिलरली क्या करेगा, डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में। तो ये जो है ई, ये सेम सेम हाइट लेकर और फिर ये खुद को डिवाइड कर देगी। बट ये वाला काम हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हमें हाइट देनी पड़ेगी, उससे वो फिक्स होगा। ठीक है, तो ये है इसमें डिफरेंस। ठीक है, सेकेंड जो डिफरेंस है वो क्या है कि हमें इसको सेट नहीं करना है लेफ्ट राइट में, ओरिएंटेशन खुद ही सेट कर देगा कि हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा कि राइट में चाहिए लेफ्ट में। तो ये जो लाइन है ये इसमें बढ़ गया। ठीक है, और जो हमने नेक्स्ट यूआई बनाई थी, अब उसमें देख लेते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो ये अब ये वाले यूआई में हम डिफरेंस देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस आके रहेगा। तो जैसे यहाँ पे क्या करा, हमने सबसे पहले तो ओरिएंटेशन दिया, देन उसके बाद एक कार्ड व्यू बनाई। अब कार्ड व्यू के अंदर एक लीनियर लेआउट लिया, ये तो सेम है जैसे वहां पे लिया था, एक रिलेटिव लेआउट, फिर कार्ड व्यू, फिर रिलेटिव लेआउट, ये सेम है। ठीक है, बट अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद तो हमें 2 टैक्स लेना था, तो ये भी अपना अभी वर्टिकली वर्टिकली चल रहा है तो दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये बटन लिया, तो बटन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फिर से एक लेआउट लेना पड़ा, जबकि ये वाली लेआउट जो है इसका कोई काम है नहीं। लेकिन लीनियर में बनाएंगे तो मल्टीपल लेना पड़ेगा, उसको हर बार बताना पड़ेगा। अगर जैसे ये तो सिंपल यूआई है तो इसमें कोई इशू नहीं है, अगर यहाँ पे नीचे फिर से एक बटन रहता, अभी ऐड करके दिखाई देते हैं यहाँ पे। जैसे ये फिर से मैंने एक बटन लिया, तो फिर से मुझे एक लेआउट लेना पड़ेगा, फिर से एक लेआउट लेके फिर से मुझे बताना पड़ेगा कि उसका ओरिएंटेशन जो है ना वो हॉरिजॉन्टल चाहिए, मुझे इतने बटन चाहिए। तो ये बार बार चीज़ें, ये लीनियर लेआउट है ना, ये बार बार मुझे मल्टीपल टाइम लेनी पड़ेगी। बट ये जो काम है ना, ये रिलेटिव लेआउट में कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिर से मुझे नीचे बटन लेना है, तो मुझे फिर से रिलेटिव लेआउट लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस क्या करूँगी, इसको कॉपी करूंगी, नीचे पेस्ट करूंगी, फिर वहाँ पे क्या करूँगी, इसके एट्रीब्यूट्स का यूज़ करूंगी कि मुझे टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, राइट लेफ्ट जैसे भी चाहिए मैं यूज़ करूंगी। ये जो माइनर डिफरेंस है, ये बहुत ही काम आता है जब हम कॉम्प्लेक्स यूआई बनाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कहाँ पे हमें रिलेटिव का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें लीनियर का यूज़ करना है। तो अगर जहाँ पे हमें होरिजोनली चीज़ चाहिए या वर्टिकली चाहिए, तो उस जगह पे हम इसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज फिर हम रिलेटिव और कंस्टेंट लेआउट को प्रेफर करेंगे। तो जितने भी लेआउट्स हैं उसका हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से यूज़ करेंगे कि कहाँ पे कौन से लेआउट का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे हमारी जो लाइन ऑफ कोड है वो कम हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये कुछ डिफरेंसेस समझ में आए होंगे, क्या कैसे यूज़ करना है, रिलेटिव लेआउट का यूज़ कहाँ पे करना है, लीनियर का कहाँ पे करना है। तो ये जो माइनर डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ही काम आते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, हमें बस एक ही बार प्रोजेक्ट नहीं बनाना रहता है, क्योंकि कस्टमर जो रहते हैं तो उनके नीड के हिसाब से हमें चेंजेस करना पड़ता है प्रोजेक्ट के अंदर। तो उस टाइम पे क्या रहता है कि अभी तो हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उस टाइम पे सब कुछ माइंड में रहता है, तो हम लोग बना लेते हैं। बट अगर कोई भी जैसे चेंजेस करना रहा यूआई में, और फिर से क्लाइंट ने हमें वापस दिया कि हमें ये वाली यूआई की जगह पे ये वाली यूआई को चेंज करना है, तो उस टाइम पे हम कोड ऐसा लिखे कि हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन ना आए,
मतलब दोबारा हम खुद ही अपने कोड को पढ़ सके। तो इसीलिए जितना सिंपलेस्ट हो सकता है उतना सिंपलेस्ट करके हम चीजों को बनाएंगे, उसको देखेंगे और उसका यूज कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। तो एकदम से बहुत सारी चीजों को नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीजों को कवर करके फिर हम बड़े लेवल तक जाएंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।